हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है बहुत इजी वे में, जानते हो। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक क्रिएट करना है तो। सो गाइस, इस मेकअप लुक को आप किसी भी पार्टी फंक्शन में एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बोल्ड मेकअप लुक है। आप हेयर स्टाइल, मेरे पास अभी मुझे कुछ हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए आप इसके साथ कोई भी अच्छी हेयर स्टाइल बनाइए तो आपको ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है गाइज। और आईज़ बहुत बोल्ड है, लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी न्यूड रखी हुई है और इसके साथ मैंने इस तरीके की ज्वेलरी वेयर की हुई है जो कि मैंने मीशो से ली थी। सो गाइज, मैंने एक साड़ी वेयर की है ब्लू कलर की और सेम ब्लू शेड का ही मैंने मेकअप क्रिएट किया है। आई होप आपको पसंद आए। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे वीडियो को देख कर जाइएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मेरे चैनल पर। सो गाइज, और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्राइमर प्लस इल्यूमिनेटर है। बेस के लिए, प्राइमर के लिए, मॉइस्चराइज़र के लिए बेस्ट है। सो इसे एज अ प्राइमर मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही रिजनेबल प्राइस का प्राइमर प्लस मैट इल्यूमिनेटर है। और देन उसके बाद मैं मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा वाला फाउंडेशन ये है। पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको टैप टैप टैप, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, नॉट ड्राई, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको टैप 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 करके अपने पूरे फेस पे अपने फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एंड अपने नेक को और अपने ईयर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देन यहाँ पे मैं पर्ल का लिक्विड इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लिक्विड है तो इस वजह से मुझे फाउंडेशन के बाद ही अप्लाई करना पड़ा, वरना मैं अपने बेस को सेट करने के बाद अप्लाई करती। तो इसको इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पे अपने इल्यूमिनेटर को अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ। देन उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल अपने आई को कंसील करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कंसीलर करने के बाद अपना आई मेकअप कंप्लीट करना है सबसे फर्स्टली। उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ जाऊँगी। तो कंसीलर लगाने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे आईज का पे जो कंसीलर लगाया था उसे अच्छे से टैप 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 करके ब्लेंड कर लूँगी। दैट्स इट। तो उसके बाद मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी पाउडर की हेल्प से, क्योंकि क्रीज बिल्डअप हो जाएगी अगर मैं इसे सेट नहीं करूँगी। तो लैक्मे 9 to 5 की पाउडर की हेल्प से मैं इसे छोटे स्मॉल ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आई शेडो, आई लिड पे जो मैंने कंसीलर लगाया था उसे मैंने पैक कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने शुगर का लिया है कोल काजल, जो कि बहुत ही अच्छा वाला काजल है, मेरा मोस्ट फेवरेट अगर आपको पता होगा तो। इसको इस तरीके से एज अ लाइनर ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडर की, स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि मेरा जो लुक मैं चाह रही थी स्मोकी आई लुक, तो वो थोड़ा सा क्रिएट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, क्रीज तक नहीं ले जाना है, सिर्फ ओनली आईलिड तक ही ले जाना है। बहुत ही हल्के हाथ से इसे आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको मिक्स कर लेना है, पूरे लिड पे फैला लेना है। देन उसके बाद मैंने एक ब्राउन शेड लिया है, पिक किया है SFR पैलेट से, और उसको मैंने क्रीज बिल्डअप की है। क्रीज करना अलग से अप्लाई, क्रीज पे मैंने ब्राउन शेड इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि थोड़ा नेचुरल लुक आए इससे। देन उसके बाद यहाँ पे यूसी का है कुछ, हाँ यूसी का ही आई थिंक। तो यहाँ से मैंने ये शेड पिक किया जो कि मेरी साड़ी से बिल्कुल मैच करता है, हल्का सा पिक किया था, और ये दोनों ही यहाँ से बहुत ही ईजिली पूरे आइज पे लग गया, मुझे दोबारा पिक नहीं करना पड़ा। बहुत ही अच्छा से ये अप्लाई हो गया है। तो मैं पूरे आईलिड पे इसको, पूरे आईलिड पे मैं इसको अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लिटर शेड अप्लाई करूँगी गाइज। तो इस तरीके से देखिए पूरे आइज पे मेरे अप्लाई हो गया है। देन इसके बाद अपने क्रीज पे, क्रीज वाले कलर को और इस वाले कलर को हार्श लाइन ना हो इसलिए मैं इसको दोनों साथ में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि लाइन कोई हार्श लाइन ना दिखे, शो ना हो, वरना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको क्रीज पे जो है इसको अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद जो ग्लिटर शेड है, इसी का जो ग्लिटर है, उसे मैं फिंगर की हेल्प से टैप 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 करके अपने आईलिड पे अप्लाई कर दूँगी। और ये बहुत ही बेस्ट वाला आई शेडो है, काफ़ी अच्छा है। ये ऑनलाइन नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसका लिंक नहीं डालूंगी। सो गाइज, इस तरीके से मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद मैं सेम कलर लेकर लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ, ताकि जो मेरा स्मोकी आई लुक है वो क्रिएट हो। देन उसके बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। लैशेस को कर्ल करने के बाद मैं अपनी आई फेक लैशेस अप्लाई करूँगी, ताकि वो एक दूसरे से एकदम मैच करें।
इसलिए मैंने उसे कर्ल कर लिया। देन उसके बाद मैं फर्स्टली अपने थ्रेड को, अपने जो आईब्रो है उसे मैं फिल इन कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं उसे चारों तरफ से कंसीलर की हेल्प से उसे शार्प कर लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका। देन अप्लाई करने के बाद मैं इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी संभाल कर, ताकि जो हमारी थ्रेडिंग है, जो हमारी आईब्रोज है, वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो इससे। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन उसके बाद मैं अपने आईज़ के नीचे जो है कंसील करूँगी। कंसील करने के बाद वेट ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको टैप 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 करके पूरे टैप 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 करके इसको स्प्रेड कर लूँगी। और बिल्कुल भी इसको पूरा फैलाना नहीं है पूरे फेस पे गाइस, वरना पूरा फेस एक जैसा हो जाएगा और वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेगा। देन उसके बाद मैं ले रही हूँ आईलाइनर, NYB का आईलाइनर है जो कि लिक्विड फॉर्म में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अच्छा वाला आईलाइनर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। देन उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, जो कि लैक्मे 925 का कॉम्पैक्ट पाउडर है, बिल्कुल मैट फिनिश देता है, उससे मैं पूरे अपने बेस को जो है सेट कर लूँगी। तो गाइस ये मैंने अपने पूरे बेस को सेट कर लिया है। अपने नेक और अपने ईयर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट आई मेकअप हो गया डन। मैंने अपनी आई लैशेज फेक लैशेज को भी लगा ली है, कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद मैंने लिया है शुगर का काजल और मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल मुझे लगाना था थोड़ा ब्लू शेड में भी, बट मुझे वो नहीं मिल रहा था। आप यहाँ पर ब्लू लगाते हैं तो और भी अच्छा लगता है, अगर लोअर वाटर लाइन के कॉर्नर पे अगर ब्लू लगाते हैं तो बहुत ही इन्हांस होकर लुक आता है। देन उसके बाद इनसाइड कॉस्मेटिक का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो के लिए मंगवाया है और अभी तक मैंने वीडियो नहीं शेयर की है, नहीं बनाई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देन वाटर लोअर लाइन पे भी मेरा मस्कारा कंप्लीट हो गया। देन SFR से मैं ले रही हूँ कंजोर का कलर, जो कि ब्राउन शेड में है, मेरे स्किन से काफ़ी मिलता जुलता है, तो मैं उसे थोड़ा डार्क शेड ले रही हूँ और उसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस को कंजोरिंग करूँगी, ताकि मेरा जो लुक है ना वो थोड़ा नेचुरल हो जाए, बहुत हैवी ना लगे। अब थोड़ा सा फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को कंजोर करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं लैक्मे का इल्यूमिनेटर ले रही हूँ पाउडरी फॉर्म में, उसे मैं नोज़ पर अप्लाई करूँगी इस तरीके से और अपना नोज़ एरिया पूरा कवर कर लूँगी, ठीक है। तो मेरा नोज़ एरिया हो गया है कवर। देन उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ, इल्यूमिनेटर ले रही हूँ, और अपने चीक एरिया को और फोरहेड पर, चीक बोन पर एंड क्यूपिड्स को पर, चिन एरिया पर, सब जगह। और ये थोड़ा सा ड्राई था ब्रश, तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा था, पिक नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा वेट कर लिया सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। और देन उसके बाद मैंने पिक किया हाइलाइटर को, तो बहुत अच्छे से पिक हो गया और बहुत ईजिली अप्लाई हो गया हमारे पूरे फेस पर। सो गाइज यहाँ पे मैंने अब लिया है शुगर का ही 3-in-1 पैलेट में से एक शेड लिया है पिंक, जो कि मैं चीक पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लश। जी हाँ गाइज, ब्लशिंग कौन नहीं चाहता है, तो मैं भी चाहता। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने नेचुरल जो चीक था वो लग रहा है मुझे बहुत अच्छे। देन उसके बाद मैं अपने कॉलर बोन को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, इसे स्किप करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो इसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। देन उसके बाद मैं ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं टैप 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 करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ताकि मेरा जो पूरा मेकअप है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। देन यहाँ पे मैं लास्टली अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले मैंने अपने लिप्स को थोड़ा सा नैपकिन की हेल्प से क्लीन कर लिया। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक लिपस्टिक, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये ओनली 76 रुपीज़ की है गाइज, और बहुत ही अच्छी नॉन ट्रांसफ़र होने वाली लिपस्टिक है और काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिजनेबल 4 शेड मैंने मंगवाए थे, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा हो गया है मेकअप ऑलमोस्ट डन। सो गाइज़ बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वेयर कर ली है, थोड़ा सा मैंने अपने हेयर को वेव्स देने की कोशिश की थी, बट मुझसे बहुत अच्छे से हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रेटनर उसे कर्ल नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा वेवी लुक देना था बट नहीं हो पाया। सो गाइज ये मेरा फाइनल लुक है, आप इसको एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ब्राइडल भी इसे क्रिएट कर सकती हैं अगर कहीं घूमने जा रही हैं, किसी पार्टी में जा रही हैं। तो गाइज ये था मेरा मेकअप लुक, आई होप आपने पसंद किया हो, अगर पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर।